तो ये रत्नगर्भ विद्या एग्जैक्टली है क्या, और ये जो जेमस्टोन्स हैं ये इन रियलिटी काम कैसे करते हैं? ये तो आज के ज़माने में रत्न मिलना आसान हो गए, वरना अगर हम आज से कुछ सौ साल पहले जाएं तो रत्न जो था वो सिर्फ और सिर्फ राजा के पोजीशन में होते थे। आम जनता को हक नहीं था रत्न रखने का। राजा महाराजा जो होते थे वो मुनादी भी पिटवा के रखते थे कि भाई अगर किसी को खोद खुदाई में मिल गया ना तो हमने पास मत रख लेना, हाटवात कटवा देंगे। तो जितने भी कुलगुरुज क्या करते थे, रत्नों को परखते थे, देखते थे कि कौन सा रत्न जो है उसके अंदर गर्भ है। अब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ रत्न गर्भ का मतलब क्या है। जो मेन टर्म है वो है गर्भ। जिस तरह से फीमेल की कंसीविंग पावर होती है, हर फीमेल की अलग कंसीविंग पावर है। कोई बहुत जल्दी कंसीव कर लेती है, गर्भ को धारण कर लेती है, और कोई गर्भ को लेट धारण करती है, कर नहीं पाती है। उसी तरह से रत्नों के अंदर भी गर्भ छुपा होता है उनके नीचे। जैसे हमारे यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति है जिसे जागृत करके रोटेट किया जाता है, उसी तरह से रत्नों के अंदर नीचे एक गर्भ छुपा है। रत्न पहनाना आर्ट है, हर किसी को रत्न पहनाना आता ही नहीं है। हिट एंड ट्रायल चल रहा है जी, जो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ज्योतिष की किताबों में लिखा आंख बंद करके 159 का रत्न पहना दो, 159 का पहना देते हैं जो नौसिखिए एस्ट्रोलॉजी, वही जो हम बोल रहे थे। अच्छा, इसमें भी फर्जी बड़ा हो रहा है। भाई ये नहीं देख रहा कोई कि ये गुरु जो चाहे मेरा नवम भाव का स्वामी है, ये मेरे लिए कितना अच्छा बैठा का हुआ है। रत्न गर्भ विद्या की बात करें, ये एक ऐसी विद्या है जिसमें रोटेशनल साइंस का यूज है। ये विद्या सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है इंडिया में। इज इट? यस। ये तो मैंने अब आके पॉडकास्ट में आके बोलना स्टार्ट किया है, और जब से मैंने बताया है हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव कम। मैंने आपको भी दिखाया था, एक व्हाट्सएप पढ़वाया था, आज मॉर्निंग में ही आया है। मैंने जस्ट एक महीने पहले ही उनको जेमस्टोन पहनाया था, एंड टुडे मॉर्निंग शी सेड कि उनको अलायंस मिल गया। रत्न गर्भ से ही जागृत करके पहनाया। आपके नाम से कस्टमाइज जेमस्टोन ढूंढा जाता है। मेरे पास रोजाना जेमस्टोन का लॉट आता है, मैं रखता नहीं हूँ अपने पास। अच्छा। जब भी मेरे पास मेरे क्लाइंट्स और कहते हैं कि हमें पहनना है तो उनके लिए मैं इनिशिएट करता हूँ, आता है, मैं उसमें देखता हूँ। वो वाले स्पेशली मेरे जो आते हैं वो जेमस्टोन, उनमें भी सब में गर्भ नहीं मिलता है। और जब क्योंकि उस बंदे के नाम से मैं इनिशिएट कर रहा हूँ तो वो गर्भ उसका है। अब वो जब मिलता है तो वो गर्भ उसके नीचे छुपा होता है, उसको एनर्जाइज करके घुमाया जाता है नीचे से। इस तरह से रोटेशनल पावर के साथ वो ऊपर आती है एनर्जी। इसमें भी कुलदीप जी दो टाइप के गर्भ होते हैं, एक नॉर्मल गर्भा और एक है उसका नेटिव गर्भा। नेटिव गर्भा उस जेमस्टोन का असली गर्भा होता है जो कि रियलिटी में मिलते हैं। जैसे नीलम के लिए नीलमणि गर्भ नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें कुंडलिनी की, जब कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत होके या ब्रह्मरंध्र पर पहुंचती है तो 1000 पेटल्स खुल जाते हैं। सी द पिक्चर ऑफ गौतम बुद्ध, ही वॉज एनलाइटेंड। वो एनलाइटेंड कब हुए थे? जब उनकी कुंडलिनी जागृत होके उनके ब्रह्मरंध्र खुल गया था, जब उनके 1000 पेटल्स, उनके बालों से आप ये चीज डिपिक्ट की जाती है। उसी तरह से जेमस्टोन के पेटल्स को खोला जाता है ऐसे करके मंत्रों द्वारा। ये सारा काम विधि है, एक प्रॉपर वे है, एक स्पेशल मुहूर्त पे और उस पर किया जाता है। जब क्लाइंट के लिए मैं जेमस्टोन ढूंढ लेता हूँ कि तेरा गर्भ वाला रत्न मिल गया है, उसके बाद उसके पेटल्स को ओपन किया जाता है, एनर्जी रोटेट की जाती है। अब अगर मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको कहा गया है पुखराज पहन लो, आपने पहन लिया। अब अगर आपके जुपिटर को राहु ग्रह देख रहा है तो इसका मतलब राहु की दृष्टि की एनर्जी भी है उसमें। अगर उसको थर्ड दृष्टि से शनि देख रहा है तो शनि की भी ऊर्जा उसमें है, तो वो बृहस्पति प्योर एनर्जी के साथ नहीं है जो आपने पहन लिया। अब जब आपने उसकी दशा में पहन लिया, चाहे जुपिटर कितना भी अच्छा दिख रहा हो, आपको रिजल्ट नहीं देगा, आपका लाखों रुपया गया पानी में। ओ, ये फैक्ट है। अब इसी पुखराज को अगर मैं पहनाऊंगा तो कैसे पहनाऊंगा? आई वुड फर्स्ट द राइट जेमस्टोन, जो कि गर्भ वाला पुखराज, उसी के लिए कस्टमाइज्ड होगा। उसके पेटल्स को खोला जाएगा, उसमें से राहु और शनि की ऊर्जा निकाली जाएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा ये सारा क्वांटम पार्टिकल्स हैं, एनर्जी ऊर्जा स्वरूप है, आप निकाल भी सकते हो डाल भी सकते हो। अच्छा। आपने उसको सेग्रीगेट किया, उसके बाद आपने जुपिटर की प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी डाल के उसके पेटल्स को क्लोज कर दिया, एंड देन व्हेन यू क्राफ्ट दिस जेमस्टोन, उसके बाद उसे कोई और हाथ नहीं लगाएगा, और वो बंदा जब पहनेगा तो रिजल्ट आना तय है। आप मेरा पुखराज देख रहे हो, मैंने कहाँ पहना है? लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, जबकि सारी दुनिया यहाँ पहनाती है। कौन सा जेमस्टोन किस हैंड में और किस वेरिएशन ऑफ एनर्जी के साथ पहनाया जाना है, या आपका हॉरोस्कोप आपको डिफरेंशिएट करता है। तब वो जब आपको धारण कराया जाएगा ना इस विद्या से, तब आप देखना आपका रिजल्ट नहीं मुंह से बोलेगा वो जेमस्टोन।